नमस्कार, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर आप सभी का स्वागत है। एक नए अपडेट लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने जारी कर दिया है CTET के लिए ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म की जानकारी। तो आवेदन हेतु संपूर्ण सूचना आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। साथ ही इसी तरह के अपडेट लगातार आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम उपलब्ध हैं, जहाँ से आप PDF वगैरह पूरा डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे तो जानकारी आप सभी को हो गई है, लेकिन जो सूचना महत्वपूर्ण रूप से जो बताई गई है उसके बारे में मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात करने वाला हूँ, क्योंकि डेट तो आपको पता चल गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सार्वजनिक सूचना यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 20 अक्टूबर को जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CBT होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो ये वो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। साथ ही हम बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया की। तो सोमवार यानी 31/10/2022 को चालू हो जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 24/11/2022 गुरुवार तक होगा, रात के 11:59 तक, और 25/11 को ही लास्ट शुक्रवार को आपका 15:30 यानी कि 3:30 बजे तक आपका यहाँ पर पेमेंट का लास्ट डेट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों देना चाहते हैं, जो 1200 रुपये लगेगा आपको अगर आप सामान्य या OBC हैं, और अगर पेपर एक या पेपर दो में से कोई एक देना चाहते हैं तो 1000 लगेगा। वहीं SC ST और विकलांग को 600 रुपये दोनों पेपर के लिए और 500 रुपये केवल कोई भी एक पेपर दिलाने के लिए होगा। अब ये तो था डिटेल जो कि आप सभी को पता चल गया है, लेकिन आप सभी को समझाना ये चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर में आपका एग्ज़ाम सेंटर हो, तो उसके लिए आपको जल्द से जल्द यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आप सभी को उपलब्ध होगा। इसीलिए आपको जल्द से जल्द फॉर्म भरना अनिवार्य है, क्योंकि जिस प्रकार एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे हमारे 1000 सीट है अगर आपका रायपुर शहर में, और आप फॉर्म भर रहे हैं और 999 हुआ है, आपके फॉर्म भरते तक 1000 हो गया, तो आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा सीट और वो किसी अन्य जिला में या फिर अन्य राज्य में भी उसको सेंटर दे सकता है। इसीलिए यहाँ पर बोला है आवंटन जो होगा वो होगा पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से। सिर्फ फॉर्म भरना नहीं बल्कि परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देने से आपका कंप्लीट फॉर्म भराता है, इसीलिए उसी आधार पर विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। एग्जाम सेंटर की यहाँ पर यह बात कर रही है, ठीक है। जब तक परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट नहीं होगा तब तक आपको इसको कम्प्लीट नहीं माना जा सकता। यदि कोई उम्मीदवार है किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान करने को रद्द करने का अगर विकल्प देता है, क्योंकि दो ऑप्शन पूछेगा आपको यस और नो, तो अगर आप रद्द करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उस पर उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस आपको मिल जाएगा और इसके आवेदन पर विचार नहीं होगा और शहर का परिवर्तन का अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। वीडियो का इस जो PDF है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा और ऐसे ही कंटिन्यू अपडेट के लिए बने रहेगा। साथ ही मैं आपको बात करने वाला हूँ इसके बाद कि CTET के अलावा अब जो CGTET का कल रिजल्ट आया है उससे महत्वपूर्ण एक जानकारी आप सबको देना चाहूँगा, क्या गया है हमारा जो कट ऑफ है उसके बारे में। आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए थे, उसकी सभी के रिप्लाई मुझे करना है, तो बने रहेगा और उस वीडियो का इंतजार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।